सूर्योदय मोबाइल बैंकिंग डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करें, उसमें डाउनलोड करने के लिए आपको कहां जाना होगा, साथ में इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, और जैसे कि आप जानते हैं सूर्योदय बैंक कंपनी अभी कुछ अपडेट लाया है, इसीलिए मोबाइल बैंकिंग आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा किस प्रकार से आप अपना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके टेक्निकल भीड जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने हमारे साइट आ जाएगा, हमारे चैनल आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जैसे कि सबसे नीचे देखेंगे सूर्योदय मोबाइल बैंकिंग एंड नीचे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा BASEBEST.APK। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपना एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा है सूर्योदय MB यानी कि मोबाइल बैंकिंग। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, आपको भी डाउनलोड कर लेना है। एंड आपको अपना सूर्योदय मोबाइल बैंकिंग को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट करना होगा। अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है तो किस प्रकार निकाला जाता है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा, जो OTP यहाँ पे फिल करने के बाद कॉन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपके सामने एक नया पॉपअप खुल के आएगा जिसपे यहाँ पे लिखा है 90 सेकंड आपको इंतजार करना है, और यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। SMS सेटिंग में आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर के जरिया ये लिंक को शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद कम से कम आपको 1.5 से 2 मिनट इंतजार करना होगा। आपको यहाँ पे लॉग आउट नहीं करना है या तो फिर आपका मोबाइल बैंकिंग में भी लॉग आउट नहीं करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 से 3 मिनट आपको इंतजार कर लेना है। एंड 2 मिनट बाद जैसे ही आप अपना सूर्योदय मोबाइल बैंकिंग को ओपन करेंगे आपके सामने पिन मांगेगा, तो यहाँ पे आपको अपना न्यू पिन एंड कॉन्फर्म पिन डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपने जो पिन बनाए हैं यहाँ पे आपको अपना पिन डालना होगा, ऑटोमेटिक लॉगिंग हो जाएगा। अदरवाइज आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड से भी लॉगिंग कर पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लॉगिंग हो चुका है। अगर आप चाहे तो मिनी स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री या फिर इत्यादि सारे सर्विसेस ले पाएंगे। यहाँ पे 2-3 सर्विसेस नया करके एड हुआ है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका अलग से एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों आपको जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आप लोगों को ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा।